Throw your hands up while I kill this shit. वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो गाइस आज के स्टूडियो में अपने साथ है, आप लोग भी देख पा रहे होंगे, आरडी टोन का 18 इंच का सबवूफर और अपना खुद का मैन्युफैक्चर सिंगल 18 फ्रंट लोडेड कैबिनेट जिसकी मैन्युफैक्चरिंग खुद ही की है हम लोगों ने। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग इस स्पीकर का अनबॉक्सिंग और इस कैबिनेट में स्पीकर को फिट भी करने वाले हैं, उसके बाद इसकी टेस्टिंग भी होगी और इसका परफॉर्मेंस भी चेक करने वाले हैं। तो प्लीज अगर आप लोग इस वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं तो धन्यवाद। उम्मीद करता हूं आप लोग इस वीडियो को कंटिन्यू अंत तक जरूर देखेंगे और अपना वैल्यूएबल रिस्पांस जरूर देंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्पीकर की बात करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं ये है ऑडियो टोन का TBW 100। यहाँ पे इसका मॉडल नंबर लिखा हुआ है और शुरुआत करते हैं इसको कटिंग से। ये इसका पहला लेयर खुल चुका है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है 18 इंच का एल्यूमिनियम प्रोफेशनल वूफर और खोलती अपने को दिखाई दे रहा है ये पहला थर्माकोल का लेयरिंग। और देखिए थर्माकोल देने का फायदा ये है कि ये देखिए ट्रांसपोर्टिंग में कहीं ना कहीं पे ये दब गया था और जिसकी वजह से टूट गया, लेकिन इसकी वजह से स्पीकर को कोई भी डैमेजेस नहीं हुआ है। ये हम हटा देते हैं। ये है ऑडियो टोन का एक कैटलॉग, देख सकते हैं यहाँ पे इसकी ओरिजिनलिटी की पहचान है। यहाँ पे साइन भी है अथोराइज भाई जिसका भी है। यहाँ पे देखिए इसका होलोग्राम भी है, ये भी है। अब यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे हो ये है स्पीकर। लेकिन देखिए एक ब्रांड का जो होता है ये इसकी क्वालिटी कितनी अच्छी देते हैं ना। अभी स्पीकर को देखिए, पहले दिए थर्माकोल, उसके बाद दे रखे हैं यहाँ पे प्लास्टिक में इसको पूरा कवर। और हम इसको भी निकाल लेते हैं जल्दी से। भारी रहने वाला है। तो गाइस ये देखिए ये है ऑडियो टोन का TBW 100 सब ऊपर। इसको हम हटा लेते हैं क्योंकि इसका कोई काम नहीं है। तो गाइस ये है देखिए स्पीकर, यहाँ पे देखिए ऑडियो टोन का कैटलॉग या जो भी है ये दिया हुआ है। यहाँ पे ऑडियो टोन प्रोफेशनल लिखा हुआ है। स्पीकर एक बार मैं आपको दिखाता हूँ स्पीकर की कौन, देखिए बहुत ही साइनियर है, एक अजीब सा ग्लॉस है इस पर और इस टाइप से वाले कौन को जो है मलेशियन कौन भी कहा जाता है। इसका जो वो है कौन है इस पर हल्का सा चिपचिप कर रहा है, आई थिंक इसमें कोई कोटिंग ब्लैक कलर की हुई है। और यहाँ से आपको मूव करके दिखाता हूँ और यहाँ पे है इसका प्लस और माइनस का टर्मिनल। ये देखिए ये है प्लस और माइनस का टर्मिनल। क्वालिटी भी ठीक ठाक ही लग रही है और सबसे इम्पोर्टेंट ये देखिए जो इसका जो स्पाइडर है वो जो रेगुलर आते हैं येलो कलर के पीला कलर का वैसा नहीं है, ये मैरून कलर का है। देखने में काफ़ी इम्पोर्टेंट लग रहा है और साइड में देखिए इसको अच्छा से सील किया गया है। ये रिंग के जैसा दिया हुआ है जैसे कि जो 1850 मॉडल होता है उस पर होता है, लेकिन ये रिंग नहीं है, इसको कलर से ही अच्छा से ग्लू से कवर किया गया है। और ये इसका देखिए वायर अच्छा सील्ड है और काफ़ी सॉफ्ट है तो जिसकी वजह से इसके टूटने के चांसेस काफ़ी कम है। स्पीकर देखने में बड़ा ही अच्छा लग रहा है। वैसे स्पीकर के मैं स्पेसिफिकेशन आपको बताने के लिए भूल गया था तो मैं बता दूं ये इस पर लिखा हुआ है 1500 वाट RMS पावर। जैसे यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है डब्बे में 1500 वाट RMS और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 18 इंच का डायमीटर कार्बन फाइबर लोडेड कोन। तो कार्बन फाइबर का भी यूज किया गया है ऐसा इस पर लिखा हुआ है। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 4 इंच का इनसाइड आउटसाइड वाला वॉइस कॉइल। तो ये 4 इंची वॉइस कॉल वाला स्पीकर है जिसका RMS है, कंपनी ऐसा कर बोल रही है कि इसमें 1500 वाट का RMS है। तो ये हो गई अपनी सबवूफर की बात। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने सबवूफर कैबिनेट की तरफ। तो आप लोग देख सकते हैं ये मेरा खुद का मैन्युफैक्चर्ड है, पहली बार मैं कुछ नया करने जा रहा हूँ तो आई थिंक आप लोगों का सपोर्ट भी मिलेगा। थोड़ा पास आके दिखाएंगे यहाँ पे, ये देख सकते हैं इसकी कलर क्वालिटी और इसकी फिनिशिंग देख सकते हैं, ऑल ब्लैक है ये। ये निकाल के अगर मैं बताऊँ तो ये है इसकी ग्रिल, ग्रिल की थिकनेस भी आप लोग देख सकते हैं, ग्रिल का डिजाइन भी काफी अच्छा है। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे देख पा रहे हो कि हम लोगों ने अभी अपना लोगो लगा रखा है ऑर्गन। ये है सिंगल 18 फ्रंट लोडेड कैबिनेट, लेकिन जो मेन बात है वो इसके इनसाइड में, बाहर से दिखने में ये अभी जो छत्तीसगढ़ में चल रहे हैं पॉपुलर सिंगल 18 बेस दिखने में बिल्कुल ही वैसा ही है।
लेकिन जो मेन कलाकारी है, मेन टेक्नोलॉजी है, वो इसके अंदर में है जो इसको खास बनाता है। और ये टेक्नोलॉजी जो है मेरा खुद का है, मतलब ये चीज आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन इसका आउटपुट कैसा है ये मुझे भी अच्छे से नहीं पता, क्योंकि हम लोगों ने इसको टेस्ट नहीं किया गया। तो जब हम लोग टेस्ट करेंगे, आप लोग इसका आउटपुट देखेंगे, पूरा साउंड टेस्टिंग सुनेंगे, तब ये चीज क्लियर हो पाएगा कि ये सक्सेस है या नहीं है, या मार्केट में जो भी चल रहे हैं सिंगल 18 उनके जितना इसका परफॉर्मेंस है या उससे आगे है। तो चलिए एक काम करते हैं, इस स्पीकर को इसमें फिट करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो में कंटिन्यू जरूर बनी रहिएगा। तो गाइस चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस कैबिनेट में अपने स्पीकर की फिटिंग। अब आप लोग देख सकते हैं ये अपना सिंगल 18 का फ्रंट लोडेड कैबिनेट है। ये इसके प्लस और माइनस के जो टर्मिनल्स है इस पर हम लोग कनेक्शन कर दे रहे हैं। अब ये बैठ गया अपना स्पीकर, यहाँ पे होल को मैचेस कर लेते हैं। यहाँ पे कंपनी की क्वालिटी देखिए, ये इसका जो साइड में जो बॉर्डर है, यहाँ पर भी देखिए ऑडियो टोन मेंशन है, यहाँ पर भी। और जब तक इसमें अलंकी फिट हो रहा है मैं कुछ और बातें बता सकता हूँ। ये देख लीजिए कलर इसकी, ये रोलर बेस्ड कलर है, सनटेक्स या ड्यूराकोर जिसे कहते हैं आजकल। और कैबिनेट की अगर क्वालिटी की बात बताऊँ तो आप लोग देख सकते हैं हर जॉइंट हर एंगल पे हम लोगों ने विशेष ध्यान रखा है। हालांकि हमारा पहली बार मैन्युफैक्चरिंग है, उसके बावजूद हम लोगों ने क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ कहीं पर भी नहीं किए हैं। आपको जैसे दिखाऊँ, ये देखिए इसमें अलंकी नट बोल्ट का भी यूज़ किया गया है चारों कोने पे। ये आप लोग देख पा रहे होंगे, ये है पूरे कैबिनेट में स्क्रू का यूज़ किया गया है, अलंकी नट बोल्ट का भी यूज़ किया गया है। और अगर कोई प्लाई का सैंपल हो, जैसे ये देख पा रहे होंगे, ये है इसका प्लाई, प्लाई की क्वालिटी देख सकते हैं। प्लाई के बीच में जो गैप होते हैं वो इसमें नहीं है, और बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की प्लाई है, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे हो रही है अपने स्पीकर की फिटिंग। वीडियो क्योंकि थोड़ी ज़्यादा ही लंबी हो जाएगी इसलिए मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देने वाला हूँ। तो गाइस देखिए यहाँ पे जो अलंकी से है स्पीकर को अच्छे से टाइट कर लिया गया है। अब बढ़ते हैं इसमें ग्रिल लगाने के लिए। ग्रिल ये मेरे सामने है और इस पे लगी हुई है ऑर्गन की वेजिंग। यहाँ पे कैबिनेट में आप लोग फिटिंग की क्वालिटी देख सकते हैं। यहाँ पे जैसे ग्रिल और इसके बीच में जो गैप होता है वो एकदम बरोबर रखा गया, मतलब जरा से भी ग्रिल के वाइब्रेट होने के चांसेस नहीं है। तो वैसे आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं मेरे सिंगल 18 कैबिनेट में यहाँ पे ग्रिल फिट हो रहा है, भाई इसको फिट कर रहे हैं। और यहाँ पर जो हम लोग ये फिट कर रहे हैं मेरे घर का हॉल है, क्योंकि यहाँ पे देखिए लाइटिंग अच्छी है इसलिए हम लोग इस हॉल में ही इस वीडियो को बना रहे हैं। आउटडोर में बनाते हैं तो मौसम क्योंकि थोड़ा ख़राब चल रहा है इसलिए थोड़ी सी बारिश की वजह से परेशानी हो सकती थी। अब ये हो गया, अब इसको बस कसने का काम बच गया। मैं आपको दोबारा से रियर कैमरे से दिखाता हूँ। अभी हल्का फुल टाइट मत करना, पहले चारों तरफ को बरोबर से आधा आधा टाइट कर लेना फिर फुल टाइट करना। इस तरफ से भी मैं दिखा देता हूँ, देख सकते हैं क्वालिटी आप लोग। फिनिशिंग तो एकदम ज़बरदस्त है, चाहे वो अंदर से भी देखिए, अंदर में भी यहाँ पे टेक्सचर वाले पेंट का यूज़ किया गया है। ये स्पीकर के बाजू में आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने टेक्सचर को ज़्यादा हाईलाइट किया है ताकि टेक्सचर जो है अंदर में अच्छे से दिखाई दे। और यही कारण है कि ग्रिल में से इसका जो फोम है, ये देखिए ग्रिल में ऐसा फोम लगा था। और क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे स्पीकर को अंदर का दिखाना था एक अच्छे लुक के लिए, इसलिए हम लोग फोम को निकाल दिए हैं। अगर किसी भाई को फोम अच्छा लगता है तो वो लगा भी सकता है इस पर। और एक बार मैं इसका कंप्लीट व्यू देने के लिए इस पूरे सिस्टम को उठा के टेबल के ऊपर रखता हूँ, फिर जाके इसका एक ओवर व्यू दिखा दूंगा। इसका बैकप्लेट वगैरह भी दिखा दूंगा आपको, पूरा ऑल ब्लैक रहने वाला है ये कैबिनेट। स्पीकर देख पा रहे होंगे साफ साफ दिखाई दे रहा है, उसके अंदर जो टेक्सचर वाला पेंट है वो भी दिखाई दे रहा है। और अंदर में देखिए चारों तरफ जो हाल ब्लैक कर रखा है, इसको साइड से दिखाता हूँ, साइड में भी देखने कितना ग्लॉसी वाला पेंट लग रहा है। मेरा पहली बार खुद का मैन्युफैक्चर सिंगल 18 का ब्लैक कैबिनेट, और डिज़ाइन और लुक्स आप लोग देख के कमेंट करके बता सकते हैं कैसा लग रहा है। मुझे तो सच में काफ़ी अच्छा लग रहा है, ऐसा नहीं कि मेरा प्रोडक्ट है इसलिए, देखने में सच में आप लोग व्यूज दे सकते हैं कितना जबरदस्त लग रहा है।
अब इसमें काम करते हैं हम लोग, इसमें एक बार प्लास्टिक की रैपिंग कर देते हैं, तो इसमें कवर और इसमें प्लास्टिक की कोटिंग दोनों कर देते हैं और उसके बाद इस वीडियो को टेस्टिंग के लिए आगे भेजेंगे। यहाँ से लगाना बेल्ट, बेल्ट ऐसा लग जाएगा दोनों के गाड़ों पे। तो वैसे यहाँ पे काफी जद्दोजहद के बाद कवर भी लग गया, रैपिंग भी हो गई, पूरा स्पीकर भी फिट हो गया। बस कवर से एक चीज हो रहा है कि मेरा जो नाम का लोगो है ऑर्गन ये दब जा रहा है, लेकिन मेरे लोगो से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस बॉक्स की सेफ्टी। यहाँ पे देख सकते हैं, इस कवर के साथ ये भी मिलता है जिसको आप लोग ऐसा करके लगा सकते हैं। और ये देखिए, ये पूरी तरह से क्लोज हो गया। हम लोग इसको सेमी वाटरप्रूफ मान के चलते हैं। इसकी थिकनेस देखिए काफी मोटी रहती है, जिससे इसका जो बॉक्स का जो लाइफ है वो काफी बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें डायरेक्टली इसका जो प्लाई है इससे सरफेस कॉन्टेक्ट हट जाता है, या कोई भी अगर इसको चोट लगता है तो वो पहले इस कवर पे लगेगा। भले भी कवर फट जाएगा लेकिन कलर को नुकसान कम होगा, और ये ऐसे करके खुल जाता है। अब आप इसका लुक भी देख सकते हैं। और इस कैबिनेट में जो मेन इंटीरियर डिजाइन है, जैसे मैं पहले भी बता चुका था, वही सबसे खास रहने वाला है, क्योंकि ये डिजाइन मेरा खुद का है और ये ऐसा डिजाइन इंटीरियर का जो आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। यही कारण है कि अपना जो बैक प्लेट है, देखिए मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पे कस दिया, हालांकि ये टाइट सील है, बिल्कुल भी निकलने वाला नहीं है। और ये देखिए ये कवर है, ये कर देने के बाद ये आपको पूरी तरह से सेफ हो जाता है। तो गाइस इस वीडियो में बच गया सिर्फ टेस्टिंग, तो बढ़ते हैं टेस्टिंग के लिए। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो में आगे भी बने रहिएगा। साउंड टेस्टिंग का दूसरा दिन और एक नए लोकेशन पे हम लोग हैं, और आज टेस्टिंग में हम लोग यूज कर रहे हैं डाइब्रिक का PA2 मॉडल, और बाकी 250 चलाने के लिए आहूजा का ये मिक्सर है, और अब की अपना 1601 8 ओम पे चलेगा अपने दोनों सब ऊपर। और आज है अपने साथ ये पायोनियर का कंट्रोलर, मॉडल नंबर क्या है, FLX4, और बाकी का लैपटॉप। और एक बार मैं सिस्टम भी दिखा देता हूँ। सेम रहने वाला है, हमारे कस्टम मेड दोनों सब ऊपर है, जिसमें 1500 वाट का ऑडियो टोन का TBW100 मॉडल लगा हुआ है।
कैलाश का रहने वाला, मेरा नाम अभी तकरीबन 100 मीटर दूर आया है एक दूसरे लोकेशन पे। इसका ये चेक करने के लिए कि इसका दूर से लॉन्ग थ्रो जो है कैसा है, इसका सराउंडिंग कैसा है। हल्का सा आवाज़ सुन पा रहे होंगे आप लोग, लगभग 200 मीटर दूर है, सॉरी मैं 100 मीटर बोल रहा था, 200-250 मीटर दूर है। अब इसके बाद मैं एक सोन यहाँ से कॉल करके बोलता हूँ अगले को चलाने के लिए, फिर देखते हैं यहाँ से रिस्पॉन्स इसका कैसे आ रहा है। डेस्कटॉप में है, डेस्कटॉप चालू हो गया अपना ट्रैक। वो देखो दिख भी नहीं रहा है, लगभग 250 मीटर दूर है, 250 से भी ज़्यादा होगा भाई। लॉन्ग थ्रो चेक करने के लिए अपन यहाँ पे। लो फ्रिक्वेंसी, पता नहीं उसका कैच हो रहा होगा नहीं हो रहा होगा, लेकिन है यहाँ से इतने दूर से। और सिंगल दो बेस में भी सराउंडिंग काफी आ रहा है, शायद मोबाइल पे रिकॉर्ड हो रहा होगा। मैं ऐसा नहीं कि मेरे साथ है इसलिए पूछ रहा हूँ, जीनियर बोल रहा हूँ, मतलब अपना रिस्पांस देना कैसा है, इसका प्रोडक्शन कंटिन्यू रखोगे नहीं? बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। तेरा क्या ख्याल है भाई, रायगढ़ में अगर आप लोग होंगे तो इनको जरूर जानते होंगे अपने जैन भैया। सही में अपना रिस्पॉन्स देना, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरे साथ है इसलिए, रिस्पॉन्स कैसा है एक सिंगल 18 के हिसाब से अभी तक? जैसे अपन अभी सिंगल 18 के हिसाब से जबरदस्त पीस बना हुआ है। धमतरी अपन साथ में गए थे, अगर आप लोग वीडियो में देखोगे तो वहाँ इतने सारे देखे, वो तो क्वांटिटी क्वांटिटी तो उसके हिसाब से बताना। दो चला रहे यहाँ अभी, सिर्फ दो चला रहे दो पेयर पे है, आठ रहा है, 8-12 के बराबर है। साउंड बंद हो गया लेकिन सराउंडिंग सच में था, बहुत जबरदस्त। इसीलिए मैं 2-3 बार कल भी दो टेस्टिंग किया था, आज भी कर रहा हूँ अलग अलग मशीन। कई बार होता है ना किसी एक मशीन से हम लोग जज नहीं कर सकते, या सर से जज नहीं कर सकते, सॉन्ग मिक्सर सेटिंग बहुत कुछ डिपेंड करता है। कल कम था उसके बावजूद दूसरे, कल वाइब्रेशन मिला लेकिन पंच नहीं मिला था, सीरियसली बोल रहा हूँ, बावजूद दूसरा साउंड वाला बोल दिया आज है। और अब इतना कॉन्फिडेंस है मेरे कि क्या भी जो मॉडल है मेरा इसको कंटिन्यू कर सकता हूँ। तो गाइस टेस्टिंग खत्म होते तक नाइट में काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो गया था, इसलिए मैं अब यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ। वैसे आप लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया होगा तो आपको भी आइडिया होगा कि मैंने 2 दिन और 3 डिफरेंट लोकेशन पे अलग अलग मशीन और सेटिंग के साथ अपने सिस्टम को टेस्ट किया, और आसपास के लोगों का बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स, और मेरे कुछ डीजे वाले भाइयों का बहुत ही तगड़ा रिस्पॉन्स, और उनका सजेशन के बाद ही मैं ये डिसाइड किया हूँ कि अपने सिंगल 18 सबवूफर को मैं कंटिन्यू करने जा रहा हूँ, मतलब कि इसका मैन्युफैक्चरिंग जो है बढ़ाने जा रहा हूँ। तो जो कोई भी भाई इस सिस्टम को लेने में इंटरेस्टेड है या कुछ जानने की इच्छुक है, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर वहाँ पे मैं मोबाइल नंबर भी दे दूंगा तो आप लोग डायरेक्टली मुझसे भी बात कर सकते हैं। और एक बेसिक सा जानकारी बता दूं कि भाई इसमें लगा हुआ है 1500 वाट का सबवूफर 4 इंच के वॉइस कॉल के साथ, और ये सामान्य सिंगल फ्रंट सबवूफर नहीं है, काफ़ी इसका जो अंदर का जो मेन डिज़ाइन है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट रहने वाला है, क्योंकि ये मेरा खुद का थॉट था, ये मेरा खुद का डिज़ाइन था, और मेरा जो एम था कि इसमें लॉन्ग थ्रो मिलना चाहिए और दूर में जो सराउंडिंग है और वाइब्रेशन वो भी फील होना चाहिए, तो उसमें मुझे लगता है कि मैं काफ़ी हद तक सक्सेस हो गया हूँ। लोगों का रिस्पांस भी बिल्कुल काफ़ी बढ़िया आया है। तो बस इस वीडियो में बस इतना ही उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का सपोर्ट मुझे मिलता रहेगा। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।